अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जेनी और फिर देख रहे हैं कुकिंग विद जेनी। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ लज़ानिया की रेसिपी। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे केचप 4 टेबल स्पून, चिली सॉस, प्याज एक लार्ज साइज़ का, शिमला मिर्च, बोनलेस चिकन 1/2 kg, और यहाँ पर हमने लिए टमेटो प्यूरी, नमक, ब्लैक पेपर, गार्लिक पेस्ट। तो चलिए जी सबसे पहले यहाँ पे लज़ानिया के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पेस्ट, 1 से 2 मिनटों के लिए इसे पकाएंगे। गार्लिक हमारी सोते हो चुकी है, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, इसे भी 1 मिनट तक पकाएंगे। प्याज यहाँ पे हमारे कुक हो चुकी है, अब इसमें शामिल करेंगे चिकन और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन हमारी कुक हो चुकी है, अब इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप, और इसमें शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए आपने यहाँ पे लेने 5 से 6 अदर टमाटर, उसे अच्छी तरीके से बॉईल करके मिक्सी में पीस कर इसकी पेस्ट बना लेनी है। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। नमक शामिल करेंगे। चिली सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक मसाला हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारे मसाले का बिल्कुल ही पानी खुश्क होकर और ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च जो उसमें कटे हुए। तो यहाँ पे हमारे लज़ानिया के लिए चिकन फिलिंग हो चुकी है रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हम तैयार करेंगे वाइट सॉस। उसके लिए हम पैन में लेंगे ऑयल 2 चम्मच, मैदा शामिल करेंगे 1 चम्मच, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने यहाँ पे इसे 1 मिनट तक पकाया। अब इसमें शामिल करेंगे मिल्क। चम्मच चलाते हुए हमने इसमें मिल्क शामिल करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। व्हाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें शामिल करेंगे चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलिए जी असेंबलिंग करेंगे। किसी बड़ी ट्रे में हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे व्हाइट सॉस की, और उसके बाद यहाँ पे हमने बॉयल की हुई लज़ानिया की शीट्स लगाएंगे वन बाय वन करके। अगेन व्हाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब उसके बाद जो चिकन का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था उसकी लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करेंगे और उसके बाद सेकेंड लेयर लगाएंगे लज़ानिया शीट्स की। फिर से चिकन की लेयर लगाएंगे और ऐसे तीन बार रिपीट करेंगे। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। लास्ट लेयर यहाँ पे हमने व्हाइट सॉस की, अब उसके ऊपर शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। लज़ानिया हमारी रेडी हो चुकी है बेकिंग के लिए, अब इसे ओवन में बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। तो चलिए जी यहाँ पे हमारी चिकन चीज़ लज़ानिया बेक हो चुकी है, अब इसे कट करेंगे पीसेस में। बहुत ही जूसी चीज़ी मज़ेदार सी लज़ानिया यहाँ पे हमारे रेडी हो चुकी है, गरम गरम सर्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।